हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में 10 बड़ी बातें। जी हाँ, शायद आपको पता ना हो, ये तो पता चल गया आपको कि मैसेज भी आ गया होगा कि अब जो है पेटीएम वॉलेट से आपका अकाउंट जो माइग्रेट हो जाएगा और पेटीएम पेमेंट बैंक में चला जाएगा। तो इसकी 10 बड़ी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। सबसे बड़ी खबर ये है कि अब पेटीएम आपको ब्याज देगा, वो भी 4% ब्याज देगा पर एनम। हालांकि अभी आप देखोगे एयरटेल जो है उनका इंडियन पोस्ट ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अभी है वो 7.25 है, लेकिन पेटीएम आपको दे रहा है सिर्फ 4%। लेकिन आपको पेटीएम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दे रहा है, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम करते हैं कि पेटीएम कहता है कि अगर फर्स्ट 1 मिलियन कस्टमर अगर कोई अपना अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में करता है और 25,000 रुपये डिपॉजिट करता है तो उसको उसी टाइम 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यानी कहें तो अगर आप 25,000 रुपये जमा कराओगे तो आपका जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 25,250 रुपये, ठीक है ना? तो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बड़ी बात की जाए तो अब जो अभी जो है कुछ लोगों को थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि यार 23 तारीख को तो हो गया बट अभी आज 24 तारीख हो गई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है अभी वो हर लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी ये टेस्टिंग मोड पर चल रहा है, जिसको टेक्निकल भाषा में हम बेटा टेस्टिंग भी कहते हैं। तो अभी उनके कुछ एम्प्लॉयज और जो एसोसिएट्स हैं वही उस चीज़ को रन करके देख रहे हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। चौथी चीज़ की अगर बात करी जाए तो पेटीएम पेमेंट जो बैंक है वो आपको 0 बैलेंस अकाउंट है वो आपको ऑफर करेंगे। यानी ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको 100, 50, 200, 250 या 1,000 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस रखना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनल अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगती है कि किसी को 10,000, 5,000, 20,000 किसी को देना है तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। चाहे आप IMPS करो, चाहे RTGS करो, चाहे NEFT करो, ठीक है ना, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होने वाला है। पाँचवीं की बात करी जाए, जो पाँचवा सबसे बड़ा निकल के आता है पॉइंट, उसमें ये है कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है उसमें सिर्फ आप 1,00,000 रुपए तक ही जमा करा सकते हो, क्योंकि RBI के गाइडलाइंस है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गाइडलाइंस है कि जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो और बैंकों की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि जो पेटीएम है वो आपको लाइक चेकबुक इशू कर सकता है, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा। यानी आपको चेकबुक मिल सकता है, डेबिट कार्ड मिलेगा बट आप सोचो कि पेटीएम क्रेडिट कार्ड देने वाला है तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये पेटीएम बैंक है और वहां पे आप सिर्फ 1,00,000 रुपए तक ही जमा करा पाओगे। अब बात करा जाए छठे नंबर की, तो जो पेटीएम है अभी जो पेटीएम कहता है कि इसके पास 220 मिलियन कस्टमर हैं जो डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं। तो अभी क्या होगा कि एक KYC प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपना KYC ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी, अपना मनरेगा, यहाँ तक कि मनरेगा का भी ऑप्शन मिला हुआ है, वहाँ पे डाल के अपना KYC पूरा कर सकते हैं। सातवा क्या होगा कि अगर आप अभी पेटीएम के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। सपोज करो आपके पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बाकी इसको एक्टिव करने के लिए आपको एक KYC का प्रोसेस जरूर अपनाना पड़ेगा, वो आपको मेल भी कर देंगे तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप पूछेंगे आठवें की बात करी जाए तो जी इसके ब्रांचेस कहाँ हैं, तो ब्रांचेस की बात की जाए तो अभी जो 23 मई को नोएडा और दिल्ली में इसके ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं और 2020 तक इनका टारगेट है कि कम से कम हमारे पास 500 मिलियन कस्टमर हों। और यहाँ पे नौवीं सबसे बड़ी खबर ये है कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है फॉर
ऑपरेशन जो भी उसकी देख रेख में जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो भी करेंगे, तो इन्होंने टारगेट किया है कि हम इन दो सालों में इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे 400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 197 कम्युनिकेशन के जो फाउंडर है, जो अभी तक पेटीएम था, वो विजय शेखर शर्मा का है और उनका 51% शेयर है इसके अंदर, ठीक है जी। और दसवीं बात की जाए तो पेटीएम आपको वर्चुअल जो है डेबिट कार्ड ऑफर करेगा, यानी आप डेबिट कार्ड होगा, रुपए का डेबिट कार्ड आएगा, किसी भी बैंक से जाके आप पैसा निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात कहूं तो ये काफी अच्छा मूव है। अगर मान लो सपोज करो किसी के पास अकाउंट में ज्यादा दिक्कत आ रही है, और पेमेंट के लिए तो बेस्ट है, आपको रुपए कार्ड भी मिलेगा, किसी भी एटीएम से पैसे निकालो तो 1,00,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बेस्ट है, मैं तो कहता हूं। अगर आप सोचो कि कोई वैसे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से डरते हैं, तो अपना पेटीएम में 10,000-15,000-20,000-50,000 रखो और किसी को भी दो लो, आपको एक तो कुछ लगेगा नहीं और प्लस आपका पेटीएम बैंक खुला भी रहेगा इधर उधर काम करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन रह गया हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी ये 10 बड़ी बातें थी जो आपको जानना चाहिए था। तो अभी के लिए बस बाय इस वीडियो में। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारा ये चैनल और साथ वाली घंटी को जरूर बजाइए ताकि आप देख पाएं सबसे पहले हमारी वीडियोस बिल्कुल फ्री में।